हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन शालीमार बाग। शालीमार बाग नॉट फॉर दिल्ली, शालीमार बाग। शालीमार बाग हैं जी कश्मीर के। ये है जी एंट्रेंस, छोटी सी। आ गए हैं हम शालीमार बाग में। सेम ही लग रहा है। आगे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखते हैं। फाउंटेन तो मुगल गार्डन की फेमस जो कृतियां हैं उनमें से एक है, तो दोनों तरफ ऐसे ही लगा हुआ है। दूर तक है बाग ही बाग और बीच में फाउंटेन्स। वाटर स्ट्रीम्स थोड़ा कम है यहाँ पानी। निशात बाग में बहुत पानी था। ये है जी कुछ इस साइड का नज़ारा। चिनार का विशाल पेड़ जो है कश्मीर की पहचान। यहाँ है काफ़ी चिनार के पेड़। वो देखो दूर दूर तक शालीमार और निशात बाग जो हैं उनमें चिनार के पेड़ बहुत हैं। जैसा आप सबको पता है, मुगलों ने बनाए, बड़े भव्य बने हुए हैं। क्या मजे करते होंगे उस वक्त के लोग यहाँ। एक तो मौसम अच्छा, दूसरा इतना खुला। पेड़ भी काफ़ी काफ़ी पुराने लगते हैं, क्योंकि बहुत विशाल तना और विशाल है। ऐसा ही एक पेड़ एक निशात बाग में था। ये है शालीमार बाग का। ये थोड़ी मेंटेनेंस चल रही है, इसीलिए चैनल्स और स्ट्रीम्स जो हैं वो यहाँ चल नहीं रही हैं। बाकी वो जो निशात बाग था और ये शालीमार सेम ही हैं। बेगम नूरजहां को खुश करने के लिए बनाए गए ये बाग शाहजहां द्वारा। और थोड़ा ये मेंटेनेंस के कारण ना यहाँ कुछ साफ सफाई भी नहीं है, और वैसा वाला नज़ारा नहीं लग रहा जैसा कि निशात बाग में था। थोड़ा आगे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो देखते हैं हम कैसे हैं। फ्लावर्स भी थोड़े गुलाब सुंदर लग रहा है। ये दिल्ली में आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पत्तों वाले। ये देखो गुलाब, अभी तो और खिलेगा। ये सुंदर आगे भी हैं पिंक कलर के। ये हैं जी, क्या फूल हैं देखो। क्या गोभी का फूल होगा इसके सामने, वो देखो। और ये देखो है ना फूल, वही मुगल गार्डन वाला। मुगल गार्डन में भी ऐसे ही फूल खिले होते हैं, देखने जाते हैं हम। वही है, सब पुराने लोग बना गए, अब वाले लोग मज़े कर रहे हैं। हम लोग देखने आते हैं, धरोहर है पुरानी। तो जी सामने चिनार का पेड़ कहाँ तक जाएगा, देखते जाओ आप। बाप रे, बाई गॉड, बहुत बड़ा पेड़ है। और वो सामने देखो आप, आपको हाइट का अंदाज़ा हो जाएगा। इधर भी ये देखो, ये देखो। अभी मैंने आपको कहा ही था कि शालीमार और निशात ये चिनार के पेड़ों के लिए बहुत फेमस हैं, और कश्मीर में सबसे ज़्यादा हमें यहीं मिले हैं चिनार के पेड़ जी। मुगल सराय कैफ़े, आप मैगी और नूडल्स, स्नैक्स, पानी ठंडा ले सकते हो। थक गए तो विश्राम करो थोड़ा।
ये था जी सारा शालीमार बाग, मुगल गार्डन। निशात बाग जैसा तो नहीं है क्योंकि मेंटेनेंस चल रही है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा और सुंदर बाग। अब इस बाग के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। कश्मीर तो बागों से भरा हुआ है, नेहरू बाग, इंदिरा बाग, और ये दो बाग ये हो गए, एक बोटैनिकल गार्डन भी है। कह रहे थे अब जहाँ जहाँ ड्राइवर जी ले जाएंगे वहाँ वहाँ हम आपको घुमाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ये है जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन परी महल। मुगल गार्डन का ही एक हिस्सा है, सेम टिकट प्राइस है। और ये है जी बाहर, यहाँ से एंट्रेंस है। ये है जी हिस्ट्री, शाहजहाँ के बड़े बड़े बेटे दारा शिकोह ने बनवाया था परी महल, और गुरु सूफी संत अखून मुल्ला शाह के विद्यापीठ के रूप में वर्णित किया गया है। प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम पाँच फ्लोर तक है ये भी। जल पहाड़ी पर अवस्थित जो स्रोत होते हैं पानी के, उन्हीं के थ्रू इसे बनाया गया है। जलाशय भी हैं ऊपर, ये मैंने आपको पूरा वर्णन यहाँ दिखाया है, आप पढ़ सकते हैं। शाहजहाँ और उनके पुत्र दोनों ही इस तरह की बिल्डिंग बनाने में फेमस। ये है परी महल, और परी महल के सामने वही डल झील। देखो डल झील है पूरे में, थोड़ा फॉगी है लेकिन हमें दिखाई दे रही है, शायद पिक्चर में क्लियर ना हो आपको। देखिए वही डल झील है, और ये है परी महल का नज़ारा। एक दो इस तरह से चलो चलते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। ये देखिए ये है जी पूरा, यहाँ से अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं परी महल के, और वहाँ से ये खूबसूरत वादी का नज़ारा। डल झील मुख्य आकर्षण, कहीं भी पहुंच जाओ वहां से आपको डल झील दिखाई देगी ही देगी। वो उधर देखो पूरा है ना, क्या बढ़िया नज़ारा। ये है जी यहां से नीचे का नज़ारा, अंडरग्राउंड भी है और नीचे एक दो और नीचे अंडरग्राउंड, तीन फ्लोर हो गए। अभी हमने एक फ्लोर और ऊपर जाना है, ऊपर ये और ऊपर भी है। यहाँ पेड़ देखिए किस तरह के हैं, ये क्वालिटी कौन से पेड़ हैं, बड़े ऊंचे और चमकदार पत्ती, सुंदर लग रहे हैं दोनों तरफ। उस तरफ भी एक बाग है, उस तरफ का नज़ारा देखते हैं, अलग से दिख रहा है। नीचे ये ड्रेस मटेरियल, आप अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये तो हर जगह होता है, जितना जहाँ जाओगे वहाँ पर आप ये कश्मीरी ड्रेस पहाड़ी ड्रेस डाल के आप अपना अच्छा सा फ़ोटो निकलवा सकते हैं। बाकी मोबाइल तो सबके पास है, जब मर्जी फोटो निकालो, निहारो और खुश हो जाओ।
पहाड़, यहां से पहाड़ देखो, पहाड़। बड़ी अच्छी लोकेशन चुन के बनाए गए हैं ये, पहाड़ों से घिरे हुए, हमेशा की यादगार रह गई उनके द्वारा जो बनाई गई, उसी को हेरिटेज के रूप में संवारते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके, जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से नीचे निहारने में बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरे फ्लोर दिख रहे हैं। ये देखिए जी, अलग अलग तरह के फूल हैं, सुखाए जा रहे हैं, बीज फिर बनाए जाते हैं, बीज बना के बेचते हैं ये इनको। ऊपर आ गए हैं हम सबसे ऊपर, और इस यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये फर्स्ट, ये और नीचे, फिर ये और नीचे, एक अंडरग्राउंड भी है। ये पेड़ देखो भाई, विस्तृत। ओ बाबा, एक ये है, एक यहाँ पे ये है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। ये देखो जी, अगर कोई अनुमान लगा सके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये किस कौन सा पौधा है, अच्छा लग रहा है। एक ये है, इसकी भी पत्तियां बहुत ही चमकदार, ये देखिए, और इन्होंने इसको अच्छा लुक दिया हुआ है, ऐसे देखो, कलाकारी है ये तो अब वालों की, और ये पुराने लोगों की, ये देखिए सुंदर बाग है, ये देखो है ना, अलग अलग कलाकारी की भी। चलिए जी, चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। डल लेक का रात का नज़ारा देखिए, कैसे शेडो लाइट जो है, हाउस बोट की जो बाहर लाइटिंग की हुई है उसकी शेडो पड़ती है, और लेक गोल्डन हो जाती है एकदम गोल्डन। और यहाँ जो ये शिकारा खड़े हुए थे सब लौट गए उस पार जहाँ उनके घर हैं। ये देखिए, जैसे ये एक जा रहा है, अंधेरा है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये शिकारा जो जा रहा है, ये सब अपने घरों के आसपास पार्क करते हैं। कमाल की है डल लेक, लेक में ही रहते हैं, लेक में ही स्कूल हैं, लेक में ही इन्होंने फ्लोटिंग गार्डन बनाए हुए हैं, लेक में ही इनके
सारी जो शिकारास बनते हैं उनकी फैक्ट्री है, लेक में ही गार्डन है, अद्भुत है लेक। सुना था बचपन में लेकिन देखा आज हमने कि लेक जो है इनके लिए क्या है। ये डल झील जो है कश्मीर की जान जो है, ये इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फ्लोटिंग मार्केट भी है, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट भी है, मीना बाज़ार भी फ्लोटिंग है। मतलब जितना हमने जानना देखा अचंभे में आ गए, बट मस्त है एकदम। कल हमारी फ्लाइट है तो रात के व्यू के लिए स्पेशली निकले हैं ठंडी ठंडी हवा खाने, और लास्ट में इस नाइट के इस मनमोहक दृश्य को कैप्चर करने। मज़ेदार, एकदम सही कहा है किसी ने कि यहाँ पे लेक गोल्डन हो जाती है, गोल्डन। दूर तक आप देखो, जहाँ तक नज़र जा सकती है, जहाँ तक हाउस बोट है, कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। आज संडे है तो थोड़ा सड़क पे भी जाम लगा है। संडे को यहाँ एक मार्केट लगती है, अंडरग्राउंड मार्केट, जिसमें कि कहते हैं बड़ा रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कश्मीर के। इसी के साथ गुड नाइट, शबा खैर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग निर्मल सरीश ब्लॉग्स।